हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, सिविक्स बुक ग्रेड 7 से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, कैसे? मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी एज इट प्रोवाइड्स न्यूज एंड डिटेल्स ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीडिया का बहुत अहम रोल होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो हमें न्यूज़ और डिटेल्स बताती है हर उस घटना के जो हमारी कंट्री में हो रहे हैं या फिर पूरी दुनिया में। इट आल्सो एक्ट्स एज अ वॉचडॉग टू कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय। अब ये जो है एक तरह से वॉचडॉग की तरह है कि जो भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट के द्वारा हो रही हैं वो भी बता सके। क्रिटिसाइजिंग द अनपॉपुलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटेक्स। बाई चांस कुछ ऐसी पॉपुलर पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने करी हैं और नहीं अच्छी लग रही हैं, तो उसकी आलोचना भी करती हैं। हाईलाइटिंग एन इवेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक की ओपिनियन जो है उसको भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि जब वो उन पॉलिसीज के बारे में या उन इवेंट्स के बारे में या प्रोग्राम्स के बारे में बताती हैं तो हर तरह की लोगों की राय होती है। उससे उसको और ज़्यादा हाईलाइट करने में या लोगों को प्रभावित करने में फ़ायदा होता है। एक्नॉलेजिंग सेवरल करंट इशूज़, जो लेटेस्ट इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू अमंग द जनरल मासेस, जागरूकता फैलाने के लिए भी जनरल पब्लिक में बहुत ज़्यादा मीडिया का अहम रोल होता है। कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेसेस फ्रॉम दिस डायग्राम? अब आपको इस डायग्राम जो दिया है इसमें टाइटल बताना है, क्या समझ में आता है आपको जो मीडिया है और बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं उनके बीच का कैसा लिंक है। टाइटल कैन बी गिवन एज इन्फ्लुएंस ऑफ बिग बिजनेसेस ऑन हाउसेज ऑन मीडिया। अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है मीडिया पे, आप इस तरह से टाइटल डिस्कस कर सकते हैं। बिग बिजनेसेस एंड कॉरपोरेशंस अप्रोच द मीडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू देम। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, वो मीडिया का सहारा लेते हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट्स उनके थ्रू बेच सकें। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट वे टू रीच द मासेस एंड अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस रिगार्डिंग द परचेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब सबसे बेस्ट और सस्ता तरीका पब्लिक तक पहुँचने का यही है कि आप मीडिया के थ्रू उस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। नतीजा क्या होगा, जब पब्लिक जो है उस प्रोडक्ट को देखेगी तो उसको देख के वो अपनी एक राय बनाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगी। यू रेड अबाउट द वेज इन विच मीडिया सेट्स द एजेंडा, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज हैव दिस इन डेमोक्रेसी, प्रोवाइड टू एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो है कई तरीके पढ़े जिससे मीडिया जो है अपना एक एजेंडा सेट करती है, इसका असर जो है डेमोक्रेसी पर कैसा होता है, दो एग्जाम्पल्स के आपको बताने हैं। मीडिया क्रिएट्स एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया जो है एक तरह से क्रिएट भी करती है और इन्फ्लुएंस भी करती है पब्लिक ओपिनियन को। इट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट एनी इशू, फेवर में हो या अगेंस्ट में हो किसी भी इशू को पब्लिक की राय दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकती है या इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऑल्दो द सिनेरियो हैज चेंज एज इट फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द हाईएस्ट बिडर्स और दोज इन पावर। अभी क्या है, आजकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। अभी वो जो पब्लिक ओपिनियन है वो ज्यादातर जो ज्यादा अच्छा ऊंचा बिडर होता है या जो ज्यादा पावर में होता है उसके फेवर में करने की कोशिश करती है। द न्यूट्रैलिटी इट इज सपोज टू शो केस हैज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड इन इट्स क्वेस्ट टू ब्रिंग मोर व्यूअर्स एंड प्रॉफिट। कहने को उसे न्यूट्रल होना चाहिए, पर आज की डेट में वो न्यूट्रल नहीं है और उसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज के लिए व्यूअर्स हो और उनको ज्यादा फायदा हो। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी योर स्कूल इवेंट, इट्स हैविंग इट्स एनुअल डे सेलिब्रेशंस। अब जैसे आपका एक स्कूल इवेंट ले हैं खुद के, जहां पर एनुअल डे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बट देयर इज नो कवरेज बाय द मीडिया एज देयर इज नो फेमस पर्सनालिटी अटेंडिंग द इवेंट। अब उसको मीडिया कवर नहीं करेगी क्योंकि उसमें चीफ गेस्ट जो है कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है। दस इट हाईलाइट्स अ सेलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द मीडिया। तो यहाँ ये देखता है कि मीडिया भी जो है वहीं जाती है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर खास घटना होती है या पर्सन होता है जिसकी वजह से वो जो है उसको कवर करती है। अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस कैन बी सीन एज अ रीसेंट एग्जांपल ऑफ द मीडिया फाइंडिंग आउट अबाउट द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन द कोला ड्रिंक। अभी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है मीडिया का वो ये है कि उन्होंने कितनी मात्रा में वो जो पेस्टिसाइड्स कोला ड्रिंक्स में प्रेजेंट थे उसके बारे में बताया, वार्न किया।
They published reports that indicating a high level of pesticides and made the public aware of the importance of monitoring the quality of these cola drinks in accordance with the international quality and safety standards. उन्होंने कई सारे reports निकाले जिसमें बताया गया कि कितनी ज़्यादा high level pesticides जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स में पड़ रहे थे या कोकोला ड्रिंक्स में डाले जा रहे थे. साथ ही साथ पब्लिक को जागरूक किया कि वो जो हैं जब भी इन तरह की कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं तो पहले जो है क्वालिटी देख लें कि वो इंटरनेशनल क्वालिटी या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है भी या नहीं. दिस वॉज डन डिस्पाइट द गवर्नमेंट अनएबिशली डिक्लेयरिंग द कोला ड्रिंक्स सेफ टू ड्रिंक. और ये जो है मीडिया ने पूरी तरह से दिखाया जबकि गवर्नमेंट जो है एक तरह से रोक रही थी कि ना ज़्यादा आए. वो ये कह रही है नहीं कोला ड्रिंक सेफ है पीने के लिए, लेकिन मीडिया वालों ने प्रॉपर रिपोर्ट दिखाई. पब्लिक आउटक्राई ओवर दिस मेड द गवर्नमेंट रिट्रैक्ट इट्स स्टेटमेंट एंड ऑर्डर इंक्वायरी टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रिंक. नतीजा क्या हुआ कि जब पब्लिक ने इतना ज़्यादा देखा तो उसको लगा कि नहीं ये लोग सही कह रहे हैं. इसके से मजबूर होकर फिर गवर्नमेंट को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा और एक इंक्वायरी बिठानी पड़ी जो क्वालिटी ऑफ ड्रिंक थी उसके ऊपर. एज अ क्लास प्रोजेक्ट डिसाइड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर न्यूज टॉपिक and cut out stories from different newspapers on this. अब ये आपका एक सेल्फ अटेम्प्ट है, क्लास प्रोजेक्ट है. आपको एक पर्टिकुलर न्यूज टॉपिक पे स्टोरीज कलेक्ट करनी है अलग अलग न्यूज पेपर से. ऑल्सो वॉच द कवरेज ऑफ दिस टॉपिक ऑन द नेवी न्यूज कम्पेयर टू न्यूज पेपर्स एंड राइट डाउन द सिमिलैरिटी डिफरेंसेज इन द रिपोर्ट. साथ ही साथ जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं वो इस टॉपिक को कैसे कवर कर रहे हैं आपको कंपेयर करना है दोनों को न्यूज पेपर्स में भी, और फिर आपको उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज बताने हैं रिपोर्ट के अंदर. It might help to ask the following questions. कुछ खास questions आप कर सकते हैं. What information is this article providing? क्या information मिल रही है? What information he is leaving out? क्या छोड़ दिया है उन्होंने? What point of view is the article being written? किस नज़रिए से इस article को लिखा गया है? What point of view is being left out and why? और किस नज़रिए से नहीं लिखा गया है क्यों? तो आपके पास इस टाइम पे latest topics बहुत सारे हैं. हम आपको एक वैसा topic दिखा रहे हैं जो जेसिका मर्डर केस का है. द आर्टिकल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मर्डर केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये सबसे शॉकिंग मर्डर केस था जो अब तक के इतिहास में हुआ. मर्डर ऑफ अ 34-year-old वुमन जेसिका हु वाज किल्ड बिकॉज शी रिफ्यूज टू सर्व लिकर टू वन ऑफ द गेस्ट इन द पार्टी. उसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने जो है लिकर सर्व करने के लिए मना कर दिया था एक गेस्ट को जो पार्टी में आए थे. अब किसी ABC न्यूज़पेपर ने क्या न्यूज़ लिखी. This newspaper provides information about the date, time and venue of the particular crime and also capture views of the few of the close members of the accused. इसने जो है पूरा बताया डेट टाइम वेन्यू क्या था कहाँ क्राइम हुआ था, साथ ही साथ जो कुछ क्लोज मेंबर्स थे उस एक्यूज्ड के उसके बारे में भी जो है जानकारी दी उनके व्यूज के. The articles also provide a picture of the victim and highlighted the statements of the police officer. पिक्चर जो विक्टिम की थी वो दिखाई, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर्स के थे उनके बारे में बताया, मिनिस्टर्स के एंड फ्यू अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल टेक टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ द एक्सक्यूज्ड, जो उस एक्यूज्ड के सपोर्ट में बोल रहे थे उनके बारे में बताया. वहीं पर XYZ न्यूज़पेपर ने क्या छापा. दिस न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अ फुल टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिफोर एंड आफ्टर द क्राइम इन द पार्टी. उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि पार्टी में पहले क्या हुआ, पार्टी में उसके बाद क्या हुआ. It discloses the number of people present in the party. कितने लोग जो हैं उस पार्टी में प्रेजेंट थे उसके बारे में बताया. It has a picture of the victim printed and highlights the situation of the victim's family and has their statements printed. उन्होंने विक्टिम की पिक्चर दिखाई, क्या कैसी हालत है, जो विक्टिम की फैमिली है किस हालात में है वो दिखाया, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स हैं उनके वो भी प्रिंट किए. It does not create a pre-convinced notion about the guilty status of the accused and also leaves an opportunity for the reader's opinion by providing a telephone number at the end where the readers can call. अब उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से खुद एक वो होता है ना सोची समझी कि हम ऐसी बात कह रहे हैं तो पब्लिक की ओपिनियन उसी तरीके से फॉर्म करने की कोशिश करें. उन्होंने क्या किया, एक मौका दिया कि रीडर्स इसको खुद पढ़कर अपनी राय बताएं और उन्होंने एक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड किया जिससे वो जो है उसको कॉल करके अपनी जो राय है वो व्यक्त कर सके. तो इस तरह से आप कोई भी केस ले लें, आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसके ऊपर आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की क्या रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ पेपर्स की क्या हैं वो बता सकते हैं. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन. बाय.